नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और आप सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हम कह सकते हैं कि ये मॉडल होता है एक डेटा टाइप का। अब मॉडल से क्या मतलब है? मॉडल से मतलब ये है कि इस मॉडल के अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और साथ में ये डिफाइन किया जाता है कि इस डेटा पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो जब हम डेटा प्रॉपर्टीज और उनके ऑपरेशंस को मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो डेटा बना है, ये जो मॉडल बना है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की फॉर्मल डेफिनेशन पर जाएं तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको हम शॉर्ट में एडीटी भी बोलते हैं। सो एडीटी इज अ मैथमेटिकल मॉडल विद अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन दैट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, हिंदी में इसको सार बोलते हैं, यानी जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी ना हो, जिसके बारे में आपको ऊपरी तौर पर पता हो। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का हमको सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल पता होता है कि डेटा की प्रॉपर्टीज ये होंगी और उस पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। हमको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के। पहला एग्जांपल जो बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी जानते भी हैं, वो है इंटीजर। आपके सामने कुछ इंटीजर्स मैंने दिए हैं, -4, -3, -2 से लेकर 4 तक। अब क्या हम इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो इंटीजर सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक इंटीजर पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में। एडिशन कर सकते हैं हम दो इंटीजर्स को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब इतनी डेफिनेशन देख के आपको ये आइडिया लग गया कि इंटीजर नंबर होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है और उस पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन इसको देखकर आपको ये पता नहीं लगा कि इसको कैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसीलिए इंटीजर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आपको जानकारी नहीं है, वो है सेट। सेट आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। अब इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो उसको तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी में आप INT कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेट को इंप्लीमेंट करने की, तो क्या आपके पास कोई तरीका है सेट को इस्तेमाल करने का? नहीं है। अभी आप नहीं जानते किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेट नाम का डेटा टाइप बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको बनाने से पहले, उसे इंप्लीमेंट करने से पहले, हम उसका एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाएंगे, यानी कि उसका एक मॉडल तैयार करेंगे। तो क्या होगा मॉडल? मॉडल में प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टी है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंबाइंड डेटा टाइप्स हो सकता है। सो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज सेट। अब सेट पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वो भी हमको डिफाइन करने होंगे। तो यूनियन किया जा सकता है, हम दो सेट का यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ समझाना है। अभी इस पॉइंट पर हमको ये जानकारी नहीं है कि हम इस सेट को कैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बावजूद हम उसका एक मॉडल बना पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये जानकारी है कि सेट क्या होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते हैं, उस समय पर सिर्फ जो डेटा टाइप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए होते हैं, जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, रियल है, इनसे आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको अपने डेटा टाइप्स बनाने होते हैं। तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी कि उस डेटा टाइप का मॉडल बनाना होता है। तो ये सेट का मॉडल है। जब आप मॉडल तैयार कर लेते हैं, मॉडल आप बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसके बाद आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम सी प्रोग्रामिंग में इसको इंप्लीमेंट करने की बात करें, तो ये यूनियन नाम का एक फंक्शन है जो दो सेट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और रिटर्न क्या करता है, एक सेट रिटर्न करता है इनका यूनियन करके। ठीक इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होता है और डिफरेंस कैलकुलेट करने पर भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडीटी की। इंप्लीमेंटेशन से मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एडीटी मींस राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
यानी कि एक्चुअल में उस एडीटी का प्रोग्राम लिखना, उसको कोड करना क्या कहलाता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एडीटी। विदाउट इंप्लीमेंटेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रोग्राम में। डेटा स्ट्रक्चर डील्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एडीटीज। तो अब आप समझ गए कि डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट का नाम क्यों है। इस पूरे कोर्स में हम बहुत अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स के मैथमेटिकल मॉडल्स देखेंगे और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए। तो अब आप इतना समझ चुके हैं कि एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक थ्योरिटिकल कंसेप्ट है, और जब हम उस थ्योरिटिकल मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, और जब भी आपसे पूछा जाएगा आप इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो अब मुलाकात करूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।